हेलो दोस्तों, मैं लईक अहमद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो कैसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। काफ़ी बार क्या सोचते हैं कि हम वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें, चाहे वो एजुकेशनल वीडियो हो या फिर किसी भी टाइप की टेक की वीडियो हो या एनिमेशन की वीडियो हो। अगर आप किसी भी टाइप की वीडियो अपने लैपटॉप से बनाना चाहते हैं, लैपटॉप से बनाना पसंद करते हैं, तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा कैसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये जो है आपको आप लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में, और उसके बाद जो है जैसे हम देखिए फ्रेंड इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिससे आप जो है यहाँ पे कुछ देखेंगे कि हमारी जो है स्क्रीन की डायमेंशन कितनी है। तो डायमेंशन आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी यूट्यूब की वीडियो होती है 1280x720 में, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है अपनी जो वीडियो है 1280x720 के रेशियो में, ठीक है, तो आपको ये इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है यानी कि फुल स्क्रीन आपके लैपटॉप की रिकॉर्ड होने लगेगी। जैसे आपकी फुल स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी तो फ्रेंड अब जो है आप इसमें आपको इसमें थोड़ा सा और चेंजेस बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, जितना आपको सेट करना है सेट कर लीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग में आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो कंट्रोल प्लस F10 दबाइएगा, और वैसे अगर यूज करते हैं तो कीबोर्ड का भी यानी कि आपको यूज पता होगा। ठीक है, आप जो है कंट्रोल प्लस F10 दबाइएगा तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर उसे रोकना चाहते हैं, फ्यूज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस F7 एंड और शो एंड हाइड एंड रिकॉर्डिंग टोल बार करना है आपको, कंट्रोल प्लस Alt+E ये ऑप्शन है। अगर आप इसको यानी कि ई को भी हटाने चाहते हैं तो नीचे जाइएगा और इस पे Alt पे यहाँ पे ई पे क्लिक करिएगा, तो इसको कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे Alt को हटाना चाहते हैं Alt को हटा दीजिए, कंट्रोल प्लस ई रह जाएगा। ठीक है, और ओके कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप जो है ये आपकी सब कुछ क्लियर हो गई सेटिंग, अगर आप फ्रंट का कैमरा चलाना चाहते हैं करने की छोटा सा एक कैमरे का रोल दिखाना चाहते हैं यानी कि अपनी तस्वीर दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का यानी कि यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको PC का, तो इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा स्क्रीन एंड वेब कैमरा, आप जो है फ्रंट का कैमरा भी चला सकते हैं इससे, और अपनी स्क्रीन की रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो ही रही है। ठीक है, तो स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही रही है, और यहाँ पे आप वॉइस पे क्लिक करेंगे तो वॉइस पे आपको जो है सिस्टम साउंड मिलेगा, माइक्रोफोन मिलेगा एंड सिस्टम एंड माइक्रोफोन साउंड और नन, यानी कि आप इसमें चाहे माइक्रोफोन लगा करके अपनी आवाज़ यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सिस्टम के द्वारा भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं या आवाज़ बंद भी रख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आपको रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो जिससे कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है हमने माइक्रोफोन ऑन कर रखा है तो माइक्रोफोन ऑन लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। इससे जो है आपके लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। तो देखिए फ्रेंड, अब जो है आपके यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा लगता है इसमें कुछ इशू हो रहा है, बट इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये देखिए 3 सेकंड चलेंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, अब वो आपको कहाँ पर मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे आप अपने यानी कि कहाँ पर आपको आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आप जो है माई ड्राइव में जाइएगा जो आपके पास ऑप्शन हो, या माई फाइल में जाइएगा, आप वहाँ पर जाइएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के एक ये ऑप्शन दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिएगा, और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ए पावर सॉफ्ट का
ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ए पावर शॉप का ऑप्शन मिलने के बाद ए पावर शॉप फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर एंड ए पावर शॉप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर करेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन इस वाले फंक्शन में एंड, और फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर यानी कि ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम जो है इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अब इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरी दो स्क्रीन रिकॉर्डर यानी कि ऑलरेडी है दिस, जैसे ये मैंने अब ऑन कर दिया, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है, देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।